Hello viewers, how are you all? Today once again I welcome you here in my YouTube channel English Paradise. And in the advent of morning, I would like to start today's day with wrapping up the today's chapter, that is subject verb agreement. So here it is. So see student, subject verb agreement, okay? So what is subject verb agreement? It means there is a bond, there is a concord, or there is a relation between subject and verb. So that agreement is known as subject verb agreement, okay? तो जो भी subject और verb के बीच में जो एक bond होता है, एक concord होता है, एक relationship होता है, कुछ set of rules और instructions होते हैं, those are to be followed over there, उसी को हम लोग subject verb एग्रीमेंट बोलते हैं. क्या बॉन्ड है थोड़ा देख लेते हैं. बॉन्ड या फाइनाइट वर्ब मस्ट एग्री विद इट सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. मतलब अगर कोई सेंटेंस में अगर कोई फाइनाइट वर्ब है तो वो सब्जेक्ट के नंबर को देख के, सब्जेक्ट के पर्सन को देख के वो हमेशा क्या होता है, चेंजिंग होता है. चेंजिंग इन द सेंस ऑफ क्या, कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहां पर जाके वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है. देखो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, द गर्ल इस डांसिंग. तो आप देख सकते हैं बेटा ये जो द गर्ल है, ये गर्ल क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, राइट? सो गर्ल इज अ सिंगुलर कॉमन नाउन. तो इसीलिए उसके साथ जो हमने फाइनाइट वर्ब को यूज किया है वो क्या है, वो है इस डांसिंग, क्योंकि इस जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में ही आता है. ऑलराइट. और दूसरा सेकंड सेंटेंस देखो, द गर्ल्स आर डांसिंग. इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा बिट ट्रांसफॉर्म किया और मैंने इस सिंगुलर को मैंने यहां पे कन्वर्ट कर दिया प्लूरल पे, और वहां पे जाके आर बन गया. तो देखो यहां पे कि गर्ल था तो इज हुआ और गर्ल्स है तो यहां पे आर हो गया. इसका मतलब क्या कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एग्री करता है नंबर पे. मैंने वही बताया कि व्हेन अ फाइनाइट वर्ब इज सिंगुलर, सॉरी, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस इज सिंगुलर देन द वर्ब वुड बी सिंगुलर, एंड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस इज प्लूरल देन द वर्ब शुड बी प्लूरल. ये भी देखना पड़ेगा आपको. तो सिंगुलर प्लूरल का आप देखें यहां पे की केस है कि एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्री इन नंबर. तो नंबर को देखते हुए भी सब्जेक्ट और वर्ब का एक रिलेशन और एक प्रोटोकॉल्स या बॉन्ड बन सकता है. दूसरा सेंटेंस देखो, आई एम प्राउड ऑफ बींग एन इंडियन, राइट? तो यहां पे आई है तो यहां पे एम बन गया. फिर दूसरा देखो, ही इज प्राउड ऑफ बींग एन इंडियन, मतलब देखो यहां पे ही इज है तो यहां पे इज बन गया. ऑलराइट. एंड थर्ड देखते हैं, यू आर प्राउड ऑफ बींग एन इंडियन, यहां पे एज बिकॉज यू है तो यहां पे जाके क्या बन गया, आर बन गया. ऑलराइट. तो यहां पे सिचुएशन क्या था वो ध्यान से समझो कि एज बिकॉज आई है तो आई क्या है, आई मान के चलते हैं फर्स्ट पर्सन है तो इसके लिए हमेशा एम का यूज होता है. तो देखो एम हुआ. ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ इज होता है तो इज हो गया. और यू क्या है, यू है आपका सेकंड पर्सन, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है. एंड इन बोथ ऑफ द केसेस वी हैव टू यूज आर. तो आपने यहां पे क्या देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो पर्सन के हिसाब से भी एग्री करता है, और इसी को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. कुछ सेट ऑफ रूल्स है जहां पे एक मतलब समटाइम्स वी क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, है ना? कंफ्यूजन कहां पे होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि वेदर द सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी और फंक्शनड एज अ सिंगुलर और प्लूरल. जहां पे वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो इजीली आप कोई भी चीज को टैकल कर सकते हैं. दूसरा जो मैंने टॉपिक बताया, देखो द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या होता है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी? बेटा एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि कभी कभी एक सेंटेंस में देखोगे कि सब्जेक्ट एक जगह है और वर्ब दूसरे जगह में, और इन द मिडिल आपको कुछ फ्रेजेस मिल सकता है, इन द मिडिल आपको कुछ क्लॉजेस मिल सकता है. तो वहां पर लोग क्या करते हैं कि वर्ब के जस्ट पहले या वेरी क्लोज या करीब, वेरी नियर जो भी आपका सब्जेक्ट दिख रहा है या जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन दिख रहा है उसके आपसे बच्चे क्या करते हैं, हमेशा यूज कर देते हैं सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को. लेकिन ऐसा नहीं करना है. जैसे एक सेंटेंस देखो, मैंने लिखा था एप्पल्स इन द बास्केट आर डिलीशियस. तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर यहां पे मैं ब्लैंक दे दूं तो बच्चे यहां पे बास्केट देखेगा और यहां पे इज बैठा देगा. बट आपको यह समझना है, यही है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कि बच्चे को लगता है कि जो सबसे क्लोज सब्जेक्ट है या नाउन या प्रोनाउन है, अकॉर्डिंगली मुझे क्या यूज करना है, मुझे वर्ब यूज करना है, जो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रॉन्ग है. तो द एप्पल्स इन द बास्केट
basket are delicious. जो भी apples रखा हुआ है उस basket में वो बहुत tasty है, बहुत delicious है. What do you mean by that? So we are qualifying not basket, we are qualifying here the apples. हम लोग apples के बारे में बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे हम लोग बास्केट के बारे में बात कर रहे हैं. ऑल राइट, तो जब भी आप इस एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एप्पल्स तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है. तो अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप यहां पे गलती कैसे कर सकते हैं, यहां पे इस कैसे बैठा सकते हैं, राइट? तो यहां पे आपको गलती नहीं करना है. इसकी इसी को हम लोग एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं. तो देखो कि अगर बास्केट के बारे में हम बात करते हैं कि बास्केट डिलीशियस है कि एप्पल्स डिलीशियस है, तो आपके आंसर हमेशा आएंगे कि सर एप्पल्स आर डिलीशियस. तो दैट इज द केस हमने यहां पे आर बैठाया. फिर दूसरा देखो, एक सेंटेंस इज अ स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ अफेक्शन बिटवीन टू कजिन्स इज ऑब्वियस. अब देखो यहां पे यही भी फिर बात आ गई कि यहां पे मैंने अगर ब्लैंक दिया और बच्चे को ऑप्शन दिया कि बेटा आप यहां पे वाज या वेयर को कोई बैठा दो, तो बच्चा क्या करता है, यहां पे देखता है कजिन सर बैठाता है वॉर. तो आपको समझना है कि यहां पे वेयर को नहीं बैठाना है. क्यों? क्योंकि देखो द स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ अफेक्शन बिटवीन टू कजिन्स वर ऑब्वियस, राइट? तो यहां पे किसके बारे में, वो जो स्ट्रांग बॉन्ड, जो स्नेह का या ममता का या प्यार का जो एक बॉन्डिंग बना हुआ है दोनों कजिन के बीच में, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो उस केस में आप कभी भी यहां पे, तो देखो यहां पे स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ अफेक्शन ये क्या है, बॉन्ड है, हम एक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, एक रोप के बारे में, एक टाई के बारे में, एक रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर काउंट होगा. एंड इफ इट काउंट्स एज सिंगुलर तो यहां पर भी आपका सिंगुलर वर्ब होगा. तो बेटा आपको यह देख लेना है कि वॉज जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, राइट? फिर दूसरा यहां पे केस आ रहा है कि द इंट्रोडक्टरी देयर. अब ये थर्ड पॉइंट है, ये समझ लो, अगर देयर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमेशा याद रखेंगे देयर के बाद जो कमिंग जो भी नाउन या प्रोनाउन है दैट इज द प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. तो हमेशा याद रखेंगे कि अब जैसे ये सेंटेंस देखो कि देयर इज नो प्रूफ ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द केस. अब देख लो यहां पे कि देयर के बाद क्या है, यहां पे तो वर्ब है, अभी तक नहीं क्लियर हुआ. उसके बाद देखो नो प्रूफ, तो हम प्रूफ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो प्रूफ यहां पे क्या है, सिंगुलर और प्लूरल? तो बच्चे जानते हैं कि यहां पे प्रूफ जो है यहां पे सिंगुलर है, तो एज बिकॉज प्रूफ सिंगुलर है तो यहां पे भी मैंने क्या यूज किया, इसको यूज किया. तो वही चीज को आपको थोड़ा सा फोकस रखना है कि इंट्रोडक्टरी देयर में क्या होगा कि जो भी देयर का यूज होता है दैट इज फॉलोड बाई एनी सब्जेक्ट, एनी नाउन और प्रोनाउन. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ब, और उसी के हिसाब से आपको सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब को यूज करना पड़ता है. अब यहां पे कंफ्यूजन वाली बात आती है बच्चे में कि सर सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है और सर प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है. मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं बेटा कि जो भी आप इस को देखते हैं वो सिंगुलर वर्ब है, जो आप वास को देखते हैं वो भी सिंगुलर वर्ब है, जो आप हैस को देखते हैं दैट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी सिंगुलर वर्ब. इसके साथ जब आप याद रखेंगे, इसके साथ जब आप वर्ब फाइव को देखते हैं, वर्ब फाइव मतलब आप जानते हैं ना कि वर्ब के साथ यस और एस को जो हम लोग ऐड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब फाइव. तो जैसे प्ले को प्लेस बोला, गो को गोज बोला, ड्रीम को ड्रीम्स बोला, ये जो सिचुएशन है ड्रीम्स जो आपने कहा वो नाउन के केस में नहीं है, वो वर्ब है. तो वर्ब के साथ अगर एस और ईएस ऐड हो जाता है जस्ट ऑपोजिट है, वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन नाउन के साथ एस और ईएस अगर ऐड हो जाएगा तो वो प्लूरल में कन्वर्शन हो जाएगा. जैसे बॉय को हम लोग बॉयज बोलते हैं, राइट? तो यहां पे बॉयज क्या है, बॉयज आपका प्लूरल है ना. लेकिन अगर ना, अगर कोई वर्ब को आप उठा लो, जैसे कोई भी वर्ब उठा लो, जैसे मान के चलते कर्टेल या रेस बोलते हैं, तो रेस का क्या हो गया, रेजेस. तो जैसे आपने रेजेस कर दिया तो वो सिंगुलर बन गया, लेकिन जब वर्ब वन होगा वो हमेशा प्लूरल होता है, राइट? तो अब प्लूरल में क्या क्या होता है, देखो इस को हम लोग आर लिखते हैं वो प्लूरल है, वॉस को हम लोग वेर लिखते हैं ये प्लूरल है, हैस को आप लोग हैव लिखते हैं ये प्लूरल है, और यहां पे आप वर्ब वन को यूज करते हैं वो भी क्या है, प्लूरल है. ये हमेशा याद रखना पड़ेगा. रेस्ट ऑफ मैंने बाद बाकी कोई भी वर्ब्स को नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि बाद बाकी वर्ब्स जो है सबके साथ कोई भी सब्जेक्ट नंबर पर्सन के साथ यूज हो सकता है. एक सिर्फ एक्सेप्शन है, दैट इज द केस ऑफ आई. आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा प्रेजेंट में, आई के साथ पास्ट में हम लोग वास का यूज करेंगे, और फ्यूचर में आई के साथ विल और शैल का यूज करते हैं. वो एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए मैंने इस कैटेगरी में इसको नहीं रखा. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर. अब देखो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे इसका जो एक डिटेल एनालिसिस है ना, उसको हम लोग वन बाय वन सीखेंगे. ओके, सो शुरू करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट रूल. द हेडलाइन इज टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउन्स जॉइंड बाय एन. जब दो या दो से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन को हम अगर
एंड से ज्वाइन करते हैं तो सिचुएशन क्या निकल कर आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वो हमें समझना पड़ेगा. ओके तो सबसे पहला देखो कि मैंने रूल नंबर वन में क्या लिखा कि सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउन्स ज्वाइंड बाय एंड टेक्स व्हाट प्लूरल वर्ब. मतलब जब दो नाउन या प्रोनाउन को अगर हम एक साथ करते हैं एंड से यूज करते हैं, दो डिफरेंट सिचुएशन को हम लोग एंड से यूज करते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे कि वो प्लूरल वर्ब को देता है. जैसे ही एंड आई वेयर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द स्टेज, उसको और मुझे या मुझे और उसे क्या दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था ताकि हम पूरे स्टेज को मैनेज कर पाए. तो आप बेटा यहां पर देखो कि ही एक अलग पर्सन है और आई एक अलग पर्सन है, दो डिफरेंट पर्सन को हमने एंड से ऐड किया. सो हमेशा ये क्या करेगा, ये हमेशा प्लूरल वर्ब को ही चेक करें. ठीक है, आप कुछ भी याद कर सको, यहां पे कुछ भी ऐड कर लो. जैसे मैंने बोला कि हाँ, हर प्लानिंग एंड हिज हार्ड वर्क, एक बंदा है जिसका प्लानिंग और दूसरा एक बंदा है उसका एक हार्ड वर्क है. ओके सो दोस आर द कीज, आप ऐसे बोलेंगे दोज आर द की टू सक्सेस, है ना. तो कहीं ना कहीं पर वही क्या है, वो की है सक्सेस का, कुंजी है. तो आप देखो कि उसके हार्डवर्क के बारे में बात कर रहे थे और दूसरे एक इंसान के प्लानिंग के बारे में, इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहे थे, है ना. तो यहां पे फिर दो चीज को हमने जैसे ही दिखाया, जैसे राम और श्याम दो अलग अलग इंसान है, दोनों को मैंने एंड से ऐड किया, तो हमेशा प्लूरल को यूज करेंगे. राम एंड श्वेता प्लूरल को यूज करेंगे, ही एंड यू प्लूरल को यूज करेंगे, हमेशा याद रखेंगे इस तरह से. ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो कि द नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग. कभी कभी यह होता है कि सेंटेंस में एंड तो यूज हो जाता है, नाउन के साथ भी एंड यूज हो जाता है, बट वो हमेशा क्या करेगा, एक ही पर्सन को दिखाएगा, एक सिंगल आइडिया को या सिंगल थिंग को दिखाता है. जैसे आपने कभी सुना होगा, जैसे राइस एंड करी इज हिज फेवरेट डिश. अब देखो किसी को अगर आप पूछते हो कि आपने क्या नाश्ते में लिया, तो वो बोलता है कभी कभी कि ब्रेड एंड बटर, एक साथ बोलता है. तो वो सिंगुलर फ्रेज या सिंगुलर एक थिंग को ही शो करता है. ठीक है, जैसे व्हिस्की सोडा, हैमर साइकिल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है ना. तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. तो ये देखो राइस एंड करी है, देखने में तो अलग अलग लग रहा है कि राइस अलग है और करी अलग है, लेकिन वो दोनों एक ही चीज है फूड में एक साथ. जैसे राइस को आप सिंगली ले नहीं सकते हैं, मतलब यू नीड समथिंग मोर, तो उसके साथ आप दाल डाल दिए या करी डाल दिए, तो एक साथ ही आप फ्रेश का जैसा बोलते हो, तो वो एक सिंगुलर फ्रेश टर्म्ड होता है और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी वाज प्रेजेंट देयर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिचुएशन है कि जहां पे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि यहां पे दोनों के दोनों डायरेक्टर जो है मूवी का, वही इस मूवी का प्रोड्यूसर है. तो वही बोला गया, जो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है इस मूवी का वाज प्रेजेंट देयर. तो बच्चे गलती क्या करते हैं, लगता है उनको कि डायरेक्टर अलग है और प्रोड्यूसर अलग है. बेटा अगर ये अलग इंसान होते तो सेंटेंस ऐसे रहता, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो मुझे समझ में आता कि दोस पर्सन आर डिफरेंट. लेकिन यहां पे द का यूज सिर्फ एक बार हुआ है, और अगर ऐसा केस हो तो हमेशा उसको कंसीडर करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, और इफ इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा. तो आप देख लो, ये राइस और करी के लिए भी हमने इसका यूज किया है, और डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के लिए भी हमने वाज का यूज करा है. लेकिन यहां पर अगर द प्रोड्यूसर हो जाता तो क्या करते हम लोग, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज क्या, वेर यूज करते हैं. वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं कि सी नंबर में लिखा मैंने द नाउन्स कन्वे द सेम मीनिंग. ठीक है, प्लेस टुगेदर ओनली फॉर एम्फेसिस. क्या मैंने बोला कि जो भी नाउन्स है वो अगर दो नाउन्स एक साथ यूज हुआ है लेकिन वो एक ही आइडिया को, एक ही चीज को वो दिखा रहा है, उसको और एम्फेसिस करने के लिए, प्रेशर देने के लिए, जोर देकर उनको कहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का सेंटेंस में यूज करते हैं. आप देख लो कि द ऑनर एंड ग्लोरी, जो भी सम्मान है या ग्लोरी है, एक प्राइड है एक देश का, वही हमारे माइंड में सबसे पहले आता है, अपर मोस्ट पार्ट में आता है ना. अब जैसे मैंने बोला कि द इन्फ्लुएंस, या ऐसे बोलो द इन्फ्लुएंस एंड पावर ओके एक्सर्टेड ओवर द मास ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वॉज ग्रेट गिवन
भाई महात्मा गांधी। तो अब एक मैंने क्या बोला, मैंने एक उनके इन्फ्लुएंस के बारे में बात किया, उनके पावर के बारे में, उसके उनके इंस्पिरेशन के बारे में मैंने बात किया है ना। तो कहीं ना कहीं पर ये सिंगल आइडिया को शो करता है, और अगर सिंगल आइडिया को ये शो कर रहा है तो हमेशा याद रखेंगे कि इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। एंड दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे हमने इसका यूज किया। ऑलराइट, यहाँ पे गलती से भी आर का यूज नहीं करेंगे। ऑनर एंड ग्लोरी एक सिंगल आइडिया है, एक ही चीज को, देश के ऑनर और ग्लोरी को हम लोग प्रेशराइज करने के लिए इस तरह का सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। ओके, तो फिर आगे देखो कि द नाउन्स एक्सप्रेस अ सिंगुलर आइडिया एंड दैट टेक्स सिंगुलर वर्ब, कि जो भी नाउन्स एंड से एड हो बट वो एक सिंगुलर आइडिया को कैरी करेगा, अगर ऐसा केस है तो हमेशा फिर मैं रिपीट करता हूं कि उसके लिए भी आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे मेकिंग ए प्रॉमिस एंड नॉट ऑनरिंग इट इज अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स। मैंने सेंटेंस में क्या लिखा कि एक वादा करना, एक प्रॉमिस करना और उसको सम्मान ना करना, है ना। तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये नाउन्स जो है एक ही आइडिया को दिखा रहा है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सेम आइडिया, जैसे देखो मेकिंग ए प्रॉमिस एंड नॉट ऑनरिंग इट, प्रॉमिस करेंगे और उसको निभाएंगे, वो एक ही आइडिया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। जैसे आप अगर ऐसे बोलो, मान के चलते कोई पोएम है, उसका जो सब्सिस्टेंस है या उसका जो मीनिंग है ना, वो प्रॉपर वे में एनालाइज हुआ है, तो हम ऐसे बोलेंगे द सब्सिस्टेंस एंड द जिस्ट ऑफ द पोएम इज वेल डिस्क्राइब्ड हियर। आप इस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं, देखो जो भी सब्सिस्टेंस है, जो भी उसका मीनिंग वगैरह है, तो वो एक सिंगल आइडिया को ही शो करता है। तो अगर वो एक सिंगल आइडिया है तो हमेशा सिंगल आइडिया मतलब सिंगुलर वर्ब, और उसी के लिए मुझे सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू आर मोर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाई एंड। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू फर्दर रूल्स। ऑलराइट, सी द नेक्स्ट टू स्टूडेंट्स, वट इट इज रिटेन इन नंबर एज वेल एज विद नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आज इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें यूजेज देखेंगे कि एज वेल एज का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, विद का यूज कैसे करते हैं, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज कैसे करते हैं। मतलब इस तरह के अगर सेंटेंसेस में अगर ये सब टर्म अगर आपको मिले तो उस कंडीशन में आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वेदर इट वुड बी द सिंगुलर वर्ब और एल्स द प्लूरल वर्ब। तो देखो, फर्स्ट रूल मैंने लिखा कि सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू पर्सन्स और प्रोनाउंस जॉइंड विद एज वेल एज एंड और विद। ओके, सो वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि कोई भी सेंटेंस में जब आप ये एज वेल एज और विथ का यूज देखते हैं तो जनरल है, कॉमन है कि वहां पे दो सब्जेक्ट होगा। जैसे देखो, मिस्टर दास एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब इधर देख लो, एक मिस्टर दास है और उसके हम फ्रेंड के भी बारे में मैंने बात किया, बोला गया कि वो है ना मिस्टर दास और उसके साथ साथ उनके जो दोस्त है वो भी हैज एस्केप्ड अनहर्ट, कि उनको भी मतलब कोई हानि नहीं पहुंचा और किसी भी तरह वो भागने में सक्षम हो गए। तो बेटा, ये सेंटेंस में आप ध्यान से देखो कि मिस्टर दास जो है ये तो एक सिंगुलर है और हिज फ्रेंड्स है ये तो एक प्लूरल है, लेकिन रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट में एज वेल एज और विथ का यूज हुआ है तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या है, मिस्टर दास, तो उस केस में मिस्टर दास इज अ सिंगुलर। तो जैसे ये सिंगुलर बनेगा तो आपका जो वर्ब है वो भी देखो आपका सिंगुलर बन गया, सो मैंने यहाँ पे हैज का यूज किया है। ऑलराइट, फिर दूसरा सेंटेंस देखो, यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस। यहां पे क्या बोला गया है कि तुम और उसके साथ साथ मैं, दोनों के दोनों ही हम लोग रिस्पॉन्सिबल थे हमारे जितने भी लॉसेस हुए हैं, जो भी हानि हुआ है उसके लिए। तो यहां पर भी वही बात है, एज वेल एज का यूज हुआ है और यहां पे दो सब्जेक्ट है, दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड दिस इज गोना बी द सेकंड सब्जेक्ट। तो ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे बैठाना है, मैंने पहले बताया, अगर सेंटेंस में एज वेल एज और विद हो। तो इस सेंटेंस में देखो, यू है, यू इज द सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो देखो, आर एक प्लूरल वर्ब है एंड दैट इज द रीजन कि मैंने यहां पे आर का यूज किया है। ऑलराइट, चलो दूसरा रूल देख लेते हैं इसी का, अंडर दिस हेडिंग बोला गया कि टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय नॉट ओनली बट आल्सो। अगर दो सब्जेक्ट को हम नॉट ओनली बट आल्सो से जॉइन करें
तो हमेशा याद रखेंगे कि बाद में आने वाला जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंगली मुझे वर्ब का यूज करना है. सो दिस रूल इज जस्ट कंट्रास्टेड टू दैट रूल. अब ये रूल में क्या हो रहा था, इस रूल में एज वेल एज और विच से होने वाले सेंटेंस के जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, दिस इज द सेकेंड सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पे क्या हो रहे थे, वर्ब का यूज हो रहा था. फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल, सो वर्ब प्लूरल. लेकिन यहां पे जस्ट ऑपोजिट केस है कि अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से कोई भी सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट ऐड रहे तो लेटर सब्जेक्ट को देखते हैं, बाद में जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से काम करेंगे. जैसे देखो, नॉट ओनली योर क्वालिफिकेशंस बट योर एटीट्यूड ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ गुड जॉब. सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन से नहीं, आपका एटीट्यूड भी बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा जॉब पाने के लिए. आप इधर देखो कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंटेंस में यूज हुआ है कि नहीं. लेकिन यहाँ पे और एक बात आ रही है कि योर क्वालिफिकेशन एक सब्जेक्ट है और दूसरा एक सब्जेक्ट है देखो योर एटीट्यूड. तो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड सब्जेक्ट. मैंने रूल में क्या लिखा है कि सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से होगा. तो एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड में क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसे प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा. सो वही कारण है कि मैंने यहां पे इसका यूज किया राइट. उसके बाद देखो कि नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट द टीचर्स आल्सो हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. फिर वही बात आ गई कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हुआ है और यहाँ पे द प्रिंसिपल है फर्स्ट, और यहाँ पे देखो फर्स्ट सब्जेक्ट द प्रिंसिपल है और सेकंड सब्जेक्ट क्या है आपका, द टीचर्स. तो मैंने बोला था कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे यूज करना है. तो द टीचर्स क्या है, प्लूरल है. तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे हैव जो है प्लूरल वर्ब का मैंने यूज किया है. तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग जो है इस चैप्टर को होल एनालिसिस करेंगे. इस चैप्टर में नियरली अबाउट मान के चलते 20 टू 21 डिफरेंट सिचुएशंस होने वाला है. आज मैंने 5 सिचुएशंस के बारे में बात किए, ठीक है. तो इन माय कमिंग टू वीडियोस आई विल कवर द अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है. तो इस वीडियो को हम लोग 3 सेगमेंट में बांटेंगे एंड आई अर्ज एवरीवन टू वॉच ऑल द वीडियोस केयरफुली. अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगा. माई रूल दैट इज आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यर दैट इज सफिशियंट फॉर क्रैकिंग एनी एग्जामिनेशन. और ये सब रूल से आप फ्यूचर में जो भी कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन है उसको भी आप क्रैक कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट कन्फाइंड और लिमिटेड टू योर बोर्ड लेवल और ये. ओके, सो एजुकेशन हैज नो एंड बेटा, ये इसको एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है, इसको हमेशा चलाते रहो अपने लाइफ में. सो I hope you have understood the chapter well. Okay, but still if you have any queries, so just put your valuable comments and feel free yourself to put in my comment box, in my comment section. Okay, thank you so much. Take care. Bye-bye. Do like and share.